इस लेक पे डायनासोर के स्टैचू है और इसमें तो एक उनके अंडे भी दिखाई दिए। कितना रियल लग रहा है ये। यहाँ पे तो एक बड़ा और छोटा डायनासोर है। यहाँ से नीचे जाने के लिए बोटिंग के लिए रास्ता। सो गाइस सामने आप देख सकते हो वहाँ पे एक बड़ा फ्लैग लगाने के लिए एक पोल है, मतलब वहाँ पे हमारा इंडिया का ही फ्लैग लगता होगा, इतना बड़ा है वो। सो गाइस अभी मेट्रो आने वाली है और यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है बेलगांव के लिए। अभी मैं जागृति नगर और यहाँ से जा रहा हूँ घाटकोपर, घाटकोपर से जाऊँगा दादर। सो गाइस दादर टर्मिनल पहुँच गए। सो गाइस मेरी ट्रेन लग चुकी है और अभी मतलब आधा घंटा बाकी है। अभी बजे कुछ 8:30 की ट्रेन ही है। देखते हैं अपनी कहाँ पे सीट है। सो हे गाइस वेलकम बैक टू नेशन राइड। और आज की जर्नी आपने अभी तक देखी नहीं होगी, मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं कहाँ पे आया हूँ। तो हाँ मैं आया हूँ बेलगांव। अपने टाइटल थंबनेल देख के पता चला होगा मुंबई से मैं जब निकला तो घाटकोपर आने तक मुझे बहुत बहुत ट्रैफिक मिली। मैं कैसे कैसे तो आया घाटकोपर तक, उसके बाद फिर दादर, दादर के बाद फिर आगे अपने मेरा जो लोकल का जो जर्नी है वो देखा ही होगा। उसके बाद फिर मेरा ये जो अपना रेलवे, इंडियन रेलवे जो था दादर से लेके हुबली वाली ट्रेन, तो उस पर मेरी सीट बुक थी। तो एट द एंड मोमेंट मतलब डायरेक्ट 4:30 बजे मतलब 7 बजे की ट्रेन है, 7 नहीं 8:30 बजे की ट्रेन थी और मेरी कुछ 4:30 बजे 5 बजे मेरी सीट कंफर्म हुई, नहीं तो मेरे आने के अलग ही कुछ ऑप्शन देखने पड़ते थे। उसके बाद फिर मैं आया हूँ यहाँ पे और यहाँ पे आते वक्त जो आपको नज़ारा देखे वो 360 वीडियो में, वो अपने सूरज भाई का 360 कैमरा है जो मैं अभी कुछ दिनों के लिए यूज़ कर रहा हूँ। हमारे जैसलमेर के ट्रिप के लिए भी वही यूज़ होने वाला है। सो अभी मैं आया हूँ यहाँ पे कदम्बा करके एक बस स्टॉप है जो बेलगांव स्टेशन के बाहर ही है। सो यहाँ पे ये बस स्टॉप है, आप देख सकते हो, ये देखिए मैं वहाँ पे था, ये बस स्टॉप है पूरा और वहाँ पे वॉशरूम है, रेस्ट रूम है। तो कुछ अभी तक की ये जर्नी है और देखते हैं यहाँ से मुझे कुछ 3.5 किलोमीटर जाना है डिस्टेंस है मेरा। सुबह 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 भी अभी हम आए तो थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, तो नाश्ते में हमने ऑर्डर किया है मेदू वड़ा। लेट्स सी कैसा है खाके देखते हैं। सुबह मेदू वड़े की टेस्ट बहुत अच्छी है, सांभर भी अच्छा है, दोनों मैंने टेस्ट कर लिया। और ये स्टेशन के सामने ही है तो आप ज़रूर आइए अगर आप आओगे यहाँ पर तो। सो गाइस मेरी जर्नी यहाँ से कुछ 3.5 किलोमीटर की है। तो एज अ बाइकर मैं प्रेफर करता हूँ कि बाइक या फिर चलते हुए। तो 3.5 किलोमीटर और सुबह का टाइम है, अभी 9:30 बजे तो यहाँ से भी मैं जाने वाला हूँ एक ठाकुर विलेज करके एक प्लेस है वहाँ पे। लेट्स सी। सो गाइस जैसे अपने यहाँ पे कुर्ला का एक बाइक मार्केट है
वैसे यहाँ पे ये यहाँ का बाइक मार्केट है बेलगांव का, देख सकते हो पूरा गैरेज है, फिर एक्सेसरीज है, पार्ट है सब यहाँ पे। इसका नाम क्या है देख लेता हूँ एक बार मैं। तो स्टेशन के नज़दीक ही है, फोर्ट रोड है ये, देख सकते हो पूरा यहाँ पे सब एक्सेसरीज है। मतलब मैं जा रहा हूँ तो पूरा मार्केट लाइन से जा रहा हूँ, तो पूरा मार्केट आपको दिखाते हुए जाऊँगा। देखिए ये सब टायर का भी शॉप है यहाँ पे, बैटरी का भी शॉप है, मतलब पूरा ऑटोमोबाइल्स का यहाँ पे लाइन से शॉप्स है, देख सकते हो। पूरा लाइन से शॉप है, यहाँ का तो ख़त्म हुआ पर ये लाइन चल रही है अभी भी, यहाँ पे पूरा लाइन से वही शॉप है। सो गाइस चलते चलते मैं एक जगह पे आ चुका हूँ, ये है फोर्ट तालाब, मतलब किला तालाब। यहाँ पे आगे बेलगांव फोर्ट है तो उसी का ही किला है। तो ये जस्ट लाइक पवई आप बोल सकते हो, पूरा तालाब है वैसे ही। और अभी इसका कुछ इसका रिनोवेशन हो रहा है, ये देखिए बीच में हमारे सिंगापुर के दो तीन स्टैचू लग रहे हैं मुझे, ये सिंगापुर के लग रहे हैं कुछ ऐसे हैं। और ये देखिए तालाब पूरा भी, तब बड़ा तालाब है, भर गया यहाँ से पूरा ये। चलो थोड़ा इसको एक्सप्लोर करते हैं। और ये देखिए कुछ अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे, डिज़ाइनिंग पार्ट। सो गाइस सामने आप देख सकते हो वहाँ पे एक बड़ा फ्लैग लगाने के लिए एक पोल है, मतलब वहाँ पे हमारा इंडिया का ही फ्लैग लगता होगा, इतना बड़ा है वो। और यहाँ पे भी ना आपको देखने मिलेगा कि डायनासोर ऐसे कुछ स्टैचूज रखे यहाँ पे डायनासोर, और उसके आगे भी है बैठने के लिए जगह भी है। लेट्स सी, ये देखिए यहाँ पे भी है। तो पूरे इस लेक पे डायनासोर के स्टैचू है, और इसमें तो एक उनके अंडे भी दिखाई दिए, कितना रियल लग रहा है ये। मतलब ऐसा कोई सोच नहीं सकता कि गार्डन में रखना चाहिए या फिर लेक के बाजू में, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे ऐसे देखने के लिए। और लोग सिर्फ मूवी में देखते हैं और पैसे देख के देखते हैं, पर यहाँ पे देखो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने मिलेंगे। ऐसा मैंने अभी तक देखा कि लाइन से तीन जगह पे थे तो ये एक तीसरा है, और ये पूरा सेंटर पॉइंट है बैठने के लिए। देखिए इसका भी व्यू दिखाता हूँ, कुछ ऐसा यहाँ का व्यू है, स्पेशियस है गार्डन। देखो वहाँ तक पूरा पूरा, मतलब बहुत बड़ा ही है मेरे ख्याल से, ये दो किलोमीटर के आसपास रहेगा पूरा, घूम के दो तीन किलोमीटर तो रहेगा, इतना बड़ा ही है। मैप में तो बहुत बड़ा दिख रहा था मुझे। चलो देखते आगे। ये देखिए तो नेक्स्ट लेवल लग रहा है, मतलब ये बड़े बड़े पे में जो होता है वहाँ का ये गार्डन का, मतलब छोटे बच्चों लोग के लिए खेलने के लिए पेंडुलम टाइप बोल सकते हैं इसको। और बहुत सारे यहाँ पे खेलने के लिए चीज़ें आप देख सकते हो, इनकी आगे भी है, चलिए देखते हैं उनको आगे। ये देखिए यहाँ पे तो एक बड़ा और छोटा डायनासोर है, और यहाँ से नीचे जाने के लिए बोटिंग के लिए रास्ता। और ये देखिए गार्डन ना, मतलब छोटे बच्चों लोग के खेलने के लिए यहाँ पे भी, मतलब बहुत सारा ऑप्शन रखा है, मतलब अगर आओगे तो पूरा पैसा उसे ले। और ये देखिए बोटिंग क्लब यहाँ का, आई थिंक अभी बंद है बेसिकली, ये जो गार्डन अभी बंद रहा है, तो इस वजह से ना आपको थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे ओपन होने के लिए। वहाँ पे गेट बनने वाला है, जो कुछ उस प्रकार है जो डायनासोर्स रहते उस टाइम में, जैसे पत्थरों के ये रहते वैसे बनाया है। और देखिए हमें जाना है वहाँ पे, हम जाएंगे अभी वहाँ से अपने। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ये व्लॉग यही तक था। नेक्स्ट व्लॉग में हम वहाँ का जो फोर्ट है बेलगांव फोर्ट उसको हम एक्सप्लोर करेंगे, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो आपको जाननी है, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग में आना ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में,
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।